सत श्री अकाल जी सारे पंजाबियों नूं। दोस्तों पंजाब दे विच एक बहुत वड्डा ते एक बहुत सेंसिटिव जिहड़ा मामला है वो उभर के आ रहा है पिछले चार पाँच दिनों तो कि जिहड़ी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे पहरावे दे नाल मिलदी जुलदी पोशाक जिहड़ी सी जिहड़ी डेरा सरसा वाले ने पहनी सी जिस तो बाद बहुत वड्डा एक जिहड़ा झगड़ा शुरू होया और भावनावां लोकां दियां हट होईयां वो जिहड़ी पोशाक है वह सुखबीर बादल ने दित्ती सी। इह मामला जदों दा सामने आया है तो बहुत तूल फट गया यह मामला हुण पंजाब दे विच ते हर रोज़ एक दो पंथक जथेबंदियां जिहड़ियां ने वह अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब के नाम चिट्ठी लिख के उन्हां तों मंग करदियां ने ते मंग इह जोर फड़ रही है कि सुखबीर सिंह बादल नूं पंथ चों छेकिया जावे। जदों दा इह मामला जिहड़ा मीडिया च भी आ गया डिस्कशन चल रही ने तो एक सवाल इत्थे पैदा होंदा कि अपने आप नूं सब तो वड्डे पंथक आगू कहाउण वाले ते फखरे कौम दा खिताब लैण वाले सरदार प्रकाश सिंह बादल दा इहदे बारे कुछ भी ना बोलना ते श्रोमणी अकाली दल बादल जिन्ना कि बचा खुचया हैगा उहदे प्रधान सुखबीर बादल वल्लों इहदा ना कोई खंडन ना इहदे बारे कोई स्पष्टीकरण देना फोन राही जां कोई प्रैस नोट राही जां कोई वीडियो राही कुछ नहीं बोलिया उन्होंने ते ना ही मजीठिया परिवार बोलिया ते ना ही कोई चीमा चंदू माजरा बोलिया। सो ये किते ना किते लगता कि इन्हां दी चुप जिहड़ी है वो अद्धा कबूलनामा है कि इन्होंने कबूल लिया कि हुण इहदा ही जवाब की देईए। इन्हां कोल जवाब है नहीं कोई एक किहड़े मूँह नाल हुण लोकां दा सामना करनगे वीडियो राही की बोलणगे जां मीडिया दे सवालों का जवाब किवें देणगे। सो लोग जानना चाहते हैं कि दसो जी ये बारे कि वो जी पोशाक है वह सुखबीर बादल ने गिफ्ट की सी ते मैं इन्हें जी चुप है इस परिवार की चार पाँच दिनों तो मैनू एक होर शक है। मैं सरकार को बेनती करनी चाहना कि कोर्ट राही भावें अर्जी पाओ जिमें मर्जी करो इन्हों के पासपोर्ट जब्त करो इन्ह बादल तो मजीठिया परिवार के विदेश भजन की तैयारी भी कर सकते हैं क्योंकि जी पैड है बरगाड़ी कांड की भी वो इन्हां दे घर दे जमा दरवाजे ते पहुँच चुकी है। जिहड़े जांच कमिशन ने उन्होंने लभ ली वो पैड के कित्थे जांदी है। सो इस करके इन्हां दी जिहड़ी चुप्पी है किते ना किते मैनूं लगता कि विदेश भी भज सकते ने इस करके इन्हां दे पासपोर्ट जब्त कराए जाण। और जिस तरीके नाल पिछले कई दिनों तो ना चंदू माजरा जी ना चीमा जी ना भूंदड़ जी ना तोता सिंह ना सुखबीर बादल ना हरसिमरत कौर ना बिक्रमजीत मजीठिया कोई नहीं बोलिया मैनूं तो यह भी डर है कितें भज ही ना गए होण विदेश। सो इस करके बहुत ही सेंसिटिव मामला है। श्रोमणी कमेटी के प्रधान गोबिंद सिंह लौंगोवाल जी ने कहा है कि सुखबीर बादल नूं इह जिहड़े बदनाम करन दीआं कोशिशां ने। मैं गोबिंद सिंह लौंगोवाल जी नूं सवाल करना चाहुंदा कि पहलां तां इह दस दिया करो कि इस तुहाडे बयान नूं लोक जिहड़े ने जां मीडिया है वो श्रोमणी कमेटी के एक धार्मिक संस्था के प्रधान के तौर पर लैण जां फिर अकाली दल दे कोर कमेटी दे मैंबर दे तौर ते लैण। सो ये भी तुसीं थोड़ा क्लीयर कर दिया करो। सो श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान वल्लों जां अकाली दल दे दूजी तीजी श्रेणी दे लीडरां वल्लों इह कहाउणा सुखबीर बादल वल्लों आप सामने ना आउणा किते ना किते जिहड़ा इन ये जिहड़ा लोकां दा शक है उहनूं किते ना किते यकीन च बदलदा नज़र आ रिहा। मैं फिर एक बारी सरकार नूं बेनती करदा कि इहनां दे पासपोर्ट जब्त करो इह विदेश ना भज जाण और इह पता भी कर लो किते भज ना गए होण। तो मैं सुखबीर बादल जी हरसिमरत कौर जी तो बिक्रमजीत मजीठिया जी ये बेनती करदा भावें मेरा विरोध करने लिए आओ पर सामने तो आओ लोगों के पता तो लगे तुम पंजाब चो या कितने हो। चलो मेरे विरुद्ध बोलने वास्ते आ जाओ तो वह तो तुम अक्सर बोलते रहने हो मैनूं कोई दिक्कत नहीं पर घट्टो घट लोगों के सामने आके लोगों की कचहरी के सामना तो करो लोगों के सवालों का जवाब तो दो। सो ये मामला बहुत सेंसिटिव है और मैं सरकार तो मंग करदा बादल परिवार ते मजीठिया परिवार दी जिहड़े पासपोर्ट ने वो जब्त किए जाण ते इन्हां नूं इन्हां ते नज़र रखी जाए ताकि किते इह सिख कौम दा जिन्ना नुकसान इन्हां दोनों परिवारों ने किया शायद अहमद शाह अब्दाली ने भी उन्ना सिखी का नुकसान नहीं किया जिन्ना इन्हां ने किया। सो यह बहुत वड्डे दोषी ने पंजाबियों के इन्होंने अपने राज दौरान पाप किए ने गुरु साहब दीआं बेअदबियां तो लैके लोगों के हकों के जिहड़े डाके मारे ने और पंजाब नूं लुट्टिया कुट्टिया ते कूड़ेदान च सुट्टिया
सो इसलिए ये परिवार कितने जे भज गए तो फिर बाद विजय मालिया वांगू जा नीरव मोदी वांगू बाद इन्हों कितों लभदे फिरांगे उत्थे बुलाउंदे फिरांगे इत्थे वापस। सो मैं एक बार फिर बेनती करदा कि इन परिवारों पर नज़र रखी जाए कितने ने इन दियाँ गतिविधियों पर नज़र रखी जाए ताकि विदेश ना भज जाण ते इन्हां लोकां दी कचहरी च और जिहड़े जिन्नियां भी जांच कमिशन ने उन्हां दा सामना करना पऊगा। बहुत बहुत धन्यवाद।